कांगड़ा जिला के देहरा उपमंडल के स्वर्ण के समाज सेवी एवं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवक कैप्टन संजय पराशर और उनकी पत्नी सोनिका पराशर ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के आग्रह पर जिला प्रशासन को एडीएम रोहित ठाकुर के माध्यम से कोविड-19 से निपटने के लिए 83 लाख के करीब दवाइयां, पीपीई किट्स और ऑक्सीमीटर भेंट किए हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विभाग सह कार्यवाहक भूषण तथा जिला कार्यवाहक अभिषेक भी इस मौके पर मौजूद रहे। इस अवसर पर एडीएम रोहित ठाकुर ने कैप्टन संजय पराशर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कोविड-19 से निपटने के लिए स्वयंसेवी संस्थाएं भी अपना भरपूर सहयोग कर रही हैं तथा सरकार की तरफ से भी कोविड संक्रमितों के उपचार तथा उचित देखभाल के लिए सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण से निपटने के लिए प्रशासन सरकार के साथ आम जनमानस के सहयोग भी बेहद जरूरी है। देखिए, आज जैसे आप देख रहे हैं कि आज लगभग एक ट्रक फुल मेडिसिंस का और पीपी किट्स और पल्स ऑक्सीमीटर का हमें आरएसएस के माध्यम से यहाँ ज़िला कांगड़ा को प्राप्त हुआ है। इसमें कोरोना से संबंधित आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, पल्स ऑक्सीमीटर्स और जो गियर्स होते हैं सेफ्टी गियर्स, पीपी किट्स, वो सभी इन्होंने हमें प्रोवाइड कराए हैं, जो कि एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है इनके द्वारा। जैसा कि कांगड़ा में जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो हिमाचल में सबसे ज़्यादा है और कहीं ना कहीं पे हमारी संख्या भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की सबसे ज़्यादा है। इस कड़ी में इस तरह का जो छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही मददगार साबित होगा। मैं इसके साथ और अन्य भी जो हमें डोनर्स हैं जिनकी तरफ से सामग्री यहाँ पे प्राप्त हुई है उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मिस्टर विवेक कटोच हैं, वो कहीं हिमाचल से बाहर रहते हैं, उन्होंने भी 1000 पल्स ऑक्सीमीटर्स दिए हैं और वो प्रयास भी कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा सके। इसके साथ पीएपील वाले हैं जिन्होंने 500 पल्स ऑक्सीमीटर्स और 1000 सेल हमारे को दिया है। साथ में बहुत सारे छोटे छोटे जो हमारे व्यापारी वर्ग है, ट्रेडर्स हैं, जिन्होंने बहुत आगे आके जो है हमें दवाइयाँ यहाँ पे प्रोवाइड कराई हैं। नूरपुर से, इंदौरा सब डिवीज़न से लगभग 60,000 डॉक्सीसाइक्लिन और 60,000 हमारे पास आइवरमेक्टिन की मेडिसिन जो है उन्होंने डोनेट की है और ये सभी दवाइयाँ हेल्थ डिपार्टमेंट को सौंप के इमिडिएटली हम ये प्रयास करेंगे कि घर घर तक जो है ये दवाइयाँ, ये किट्स और स्पेशली पल्स ऑक्सीमीटर लोगों तक पहुँचे जो किसी भी सूरत में अपनी सेचुरेशन को चेक करने के लिए अगर वो लोअर साइड पे है तो उनका हॉस्पिटलाइजेशन हम इंश्योर करवा सकें। मैं पुनः एक बार जितने भी डोनर्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को खुले दिल से होल हार्टेडली सपोर्ट कर रहे हैं उनका धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि इस तरह से आप सपोर्ट बनाए रखिएगा और हम जल्द जो है इस कोरोना के अगेंस्ट में जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हम निश्चय ही जीत हासिल करेंगे। कितने की जो अप्रोक्सीमेटली इसका अमाउंट है जो आज भेंट किए गए थे? अभी एक्चुअल में सपोज मैं एग्जैक्ट कैलकुलेट तो नहीं बता पाऊँगा लेकिन लिस्ट के हिसाब से हमारे जो है लगभग 800 ऑक्सीमीटर्स हैं और पीपी किट्स हैं जिसकी संख्या लगभग 3000 के आसपास है और दवाइयाँ 25,000 के आसपास आइवरमेक्टिन हैं जिसकी संख्या ऑफकोर्स लाखों में ही है और ये सभी दवाइयाँ, सभी जो सामग्री है ये हमारे ज़िला कांगड़ा के पेशेंट्स तक पहुँचेंगी। इस अवसर पर समाज सेवी कैप्टन संजय पराशर ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के आग्रह पर जिला प्रशासन को पहले चरण में 2,925 पीपी किट्स, 800 प्लस ऑक्सीमीटर, 50,000 विटामिन सी की गोलियां, 25,000 एवरमेक्टाइन की गोलियां, 2,500 डॉक्सी साइकिल की कैप्सूल भेंट किए गए हैं तथा जिला प्रशासन की ओर से और भी अधिक डिमांड मिलती है तो मदद जारी रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के माध्यम से ऊना जिला प्रशासन को भी 1 करोड़ की दवाइयां तथा आवश्यक चिकित्सा उपकरण शीघ्र ही भेंट किए जाएंगे। इसके लिए विभिन्न दवाइयों की कंपनियों को ऑर्डर भेजे जा चुके हैं। मैं एक स्वयं सेवक हूँ और स्वयं सेवक होने के नाते हमारा तो प्रवास आधा समय तो फील्ड पर ही रहता है। मेरा नाम कैप्टन संजय पराशर है और मेरी वाइफ सोनिका पराशर, हम एक शिपिंग कंपनी चलाते हैं और प्राथमिक व शिक्षित हूँ और थिंक टैंक में मैरिटाइम सिक्योरिटी स्टडी ग्रुप में ऐसी जवाबदारी है मेरे पास। और आज एक स्वयंसेवक होने के नाते गांव स्वाणा का वासी होकर मैं यहाँ पर कांगड़ा में आया हूँ क्योंकि हम कांगड़ा वाले हैं तो प्रशासन को जो आवश्यकता थी उन्होंने सूची बनाकर दी और 3 दिन में हमसे जितनी दवाइयाँ इकट्ठी हुई, जितना पीपी किट और ऑक्सीमीटर इकट्ठे हुए, हम वो सारी दवाइयाँ और ये सब लेकर आ गए हैं और भी हमने अभी बाज़ार में इंक्वायरी डाली है तो जो प्रशासन को ज़रूरत है हम बस वो काम करते जा रहे हैं। और जैसे हमारे अधिकारी जी हैं उन्होंने हमें कहा है कि भाई आप फील्ड में भी जाइए, जितने कोरोना के वॉरियर्स हैं उनको मिलिए, उनकी भी सहायता कीजिए और जो कोरोना संक्रमित हैं उनके घरों में सोशल डिस्टेंसिंग करके वहां तक भी पहुंच के उनका मनोबल बढ़ाइए और अगर फल फ्रूट सब्जी दवाइयां जो भी उनकी आवश्यकता है सैनिटाइजेशन से लेकर वो सब कीजिए तो वो हम अपने गाँव में कर रहे हैं। मार्केट वैल्यू जो हमने पता करी है इसमें तो होर्डिंग हो रही है तो वो करीब 83 लाख पड़ता है
और अभी हम लोग बद्दी से कुछ मिला सामान, कुछ हमने बॉम्बे से मंगाया, कुछ हमने दिल्ली से इकट्ठा किया। तो अभी इस समय हमने जो अपनी तरफ से ऑर्डर किया वो 2 करोड़ का सामान को ऑर्डर किया, लेकिन अभी हमें कुछ ही सामान मिला है। बाकी हमें संघ कार्यालय ऊना से भी आदेश मिले हैं, उसके लिए भी कुछ रेगुलेटर्स, ऑक्सीजन रेगुलेटर्स या जो मास्क वगैरह हैं, मतलब जो कोविड पेशेंट्स को लगते हैं जब ऑक्सीजन लिया जाता है, तो उसके लिए भी हमने अभी ऑर्डर्स वगैरह किए, कुछ इंजेक्शन ऑर्डर्स किए हैं। तो सामान तो हमने बहुत ऑर्डर किया, लेकिन इसको आने में समय लग रहा है। तो हमारा तो एक ही प्रयास है कि होर्डिंग को रोकने का एक ही तरीका है कि भाई जो अगर संघ उसमें पूरी ताकत लगा दे तो मुझे लगता है कि काफ़ी जाने बच सकते हैं, और संघ यही काम कर रहा है, यही हमें शिक्षा मिली है।